हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का बेसिक क्लास 2 होने वाला है। बेसिक क्लास फर्स्ट हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज बेसिक क्लास 2 देखने वाले हैं, इसमें थोड़ा आगे देखने वाले हैं, जहां तक अगले वीडियो में देखे थे उससे आगे देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस भी बता दिए थे, कौन कौन से चैप्टर है और कौन चैप्टर ज्यादा इंपोर्टेंट है वो सारा बता दिए थे। आज बेसिक क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहला बेसिक क्लास में हम लोग पदार्थ के बारे में चर्चा किए थे, और पदार्थ के बारे में कुछ हद तक पढ़ भी लिए थे। तो पदार्थ को दो तरह से बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण की तरह से, एक रासायनिक वर्गीकरण की तरह से। तो भौतिक वर्गीकरण में बांटे थे ठोस, द्रव, गैस में, और पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते थे और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कहते थे। तो ये पांचों पढ़े थे अगले वीडियो में। और पदार्थ को जब रासायनिक वर्गीकरण किए थे, रासायनिक वर्गीकरण में तो पदार्थ को पूरी तरह से पढ़ लिए थे। शुद्ध पदार्थ में तत्व को भी पढ़ लिए थे, धातु भी पढ़ लिए थे, अधातु और उपधातु, और यौगिक को भी पढ़ लिए थे। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पढ़ लिए थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, रासायनिक वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसको बांटेंगे रासायनिक वर्गीकरण से, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोला जाता है, अशुद्ध पदार्थ में आएगा यौगिक, एक तत्व। तत्व शुद्ध होता है, यौगिक दोनों ही क्या शुद्ध होता है। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, हो सकता है वो धातु हो सकता है वो अधातु हो, या तो उपधातु हो। पूरे आवर्त सारणी में या तो पूरे पृथ्वी पे अभी वर्तमान में 80% धातु है और 4% उपधातु है। 4% क्या है? उपधातु। अब बच गया 16%, वो क्या है? अधातु है। इतना पूरे आवर्त सारणी में या तो बोले तो पूरे पृथ्वी पे इतना ही तत्व का भी आविष्कार हुआ है। कुल मिला के 118 तत्व का खोज हुआ है। 80% धातु, 20% अधातु और 4% उपधातु है। और फिर यौगिक में पढ़े थे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक को कहते थे जिस कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। अब बच गया था मिश्रण। आज हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ने हैं, मिश्रण के बारे में पढ़ना है। और मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण तो सबसे पहले अशुद्ध होता है और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हो गया ये समांगी मिश्रण, हो सकता है एक ठो विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? तो अब ध्यान से देखिए, समांगी मिश्रण सबसे पहले बताइए मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण यह दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी निश्चित में अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, क्योंकि यह एक अशुद्ध पदार्थ होता है। यह जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, निश्चित अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे में बारूद हो गया, शरबत हो गया, आपका वायु हो गया, दाल हो गया, हवा हो गया, ये सारा एक मिश्रण है। हवा में कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई पता नहीं है अभी। और देखिए वायु में बहुत सारा धूल कण सब कुछ मिला हुआ है, वायु और हवा तो एक ही हो गया। दाल में देखिए, मान लीजिए बहुत सारा दाल है आप लोगों का, खेसारी का दाल है, मसूर का दाल है, उसको बहुत तरह से मिला दीजिए, उसमें पता नहीं खेसारी का दाल कितना है, मूंग का दाल कितना है, सबको किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बन जाता है वो कहलाता है मिश्रण, मिश्रण कहलाता है। लेकिन मिश्रण दो प्रकार के होता है, दो तरह के हो सकता है, दो प्रकार के होता है। पहला हो सकता है विषमांगी मिश्रण, एक ठो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, एक ठो समांगी मिश्रण। सबसे पहले समझिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण तो समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का कोई अनुसूत्र नहीं होता है, और यौगिक के होता था। अगर मान लीजिए यौगिक जल है, जल एक शुद्ध पदार्थ होता था, और जल का सूत्र भी होता था कितना? H2O। जल का शुद्ध पदार्थ है और जल का सूत्र भी होता था H2O, लेकिन मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। अब सबसे पहले देखिए मिश्रण दो प्रकार के होता है। तो सबसे पहले देखते हैं विषमांगी मिश्रण की, तो ध्यान से देखिएगा विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण नाम से ही पता चल रहा है, विषमांग मतलब जो बिलियन होगा उसमें जो अवयवी कम होगा वो एक तरह से मिला नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है, कम बेसी कुछ हो सकता है, विषमांग हो सकता है। देखिए वैसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से नहीं मिले हो, पूरी तरह से नहीं मिला हो, पूरी तरह से अगर नहीं मिला हुआ हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए बारूद, बारूद में बहुत सारा चीज मिलाया जाता है, उसको पूरी तरह से नहीं मिलाया जाता है। और देखिए कोहरा, कोहरा आप लोग देखेंगे, कोहरा जो ठंडी के दिन में लगता है वो भी क्या एक तरह से मिश्रण होता है। और सीमेंट में भी बहुत चीज मिलाया जाता है, वो एक तरह से नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण। अरहर और मसूर का मिश्रण, अरहर का दाल हो या तो मसूर का दाल, ये दोनों को यदि मिला देते हैं तो हो जाता है विषमांगी मिश्रण।
द्रव्यमान मिश्रण, जैसे मान लीजिए बालू और नमक, बालू और नमक, बालू और नमक का मिश्रण हो तो ही होगा वो विषमांगी मिश्रण, या तो अरहर या मसूर का दाल हो उसका मिश्रण हो तो भी हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। लेकिन समांगी मिश्रण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, विषमांगी मिश्रण से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समांगी मिश्रण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से, पूरी तरह से मिले हो, मतलब ऐसा मिश्रण हो उसका जो अवयव होगा वो पूरी तरह से घुल मिल जाएगा, एक तरह से एकदम पूरा घुल मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कितना अवयव उसमें घुला हुआ है, पता नहीं चलेगा इस, लेकिन इसमें दूर से पता चल जाएगा कि बहुत सारा ये अवयव इसमें मिला हुआ, लेकिन इसमें मिला हुआ पता नहीं चलेगा, एकदम पूरी तरह से इसमें मिल जाएगा, समांग रूप से मिल जाता है बिलियन में। ऐसे में शरबत, शरबत किस चीज का बना होता है बताइए, तो जल H2O, क्या होता है H2O, H2O और चीनी, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी और जल, ये चीनी और जल का मिश्रण क्या कहलाता है, शरबत। तो चीनी और जल में इस तरह से घुल जाता है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ पे, देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा कोई बर्तन है, इसमें चीनी और जल को क्या किया है, मिला दिया गया है, चीनी और जल को इस तरह से मिला दी है। यदि आप यहाँ का शरबत पीते हैं, या तो यहाँ से शरबत लीजिए या तो यहाँ से शरबत लीजिए, उतना ही मीठा लगेगा जितना मीठा यहाँ पे लग रहा था, जितना मीठा यहाँ पे लग रहा है, जितना मीठा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों जब बिलियन बनाते हैं वो समांगी मिश्रण बन जाता है, एक तरह का क्या हुआ ये बिलियन, अब बिलियन जितना भी बिलियन बनाते हैं, जितना भी बिलियन होता है एक तरह के समांगी मिश्रण होता है, सभी प्रकार का बिलियन। जैसे मान लीजिए चीनी और यहाँ पे क्या, चीनी और जल को बनाए, चीनी और ग्लूकोज का भी बना सकते हैं, जितना भी तरह का बिलियन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। जैसे में पका हुआ दाल, पका हुआ दाल, पका हुआ दाल में क्या अरहर और मसूर दाल मिला दीजिए और ऊपर में सीटी से पंच सीटी मरवाई और पक जाने के बाद वो पूरी तरह से मिल जाता है, लेकिन अगर पका हुआ नहीं हो तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, यदि पका हुआ हो तो हो जाएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण संगठन के समान होता है, अगर मिश्रण का गुण और संगठन एक समान होता है, लेकिन समांगी मिश्रण होता है, बस इतना ही अंतर। अब आगे देखिए, अब पदार्थ को जितने भागों में बांटे थे वो सारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु संरचना, अर्थात परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, अगर परमाणु के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री आएगा, परमाणु से ही केमिस्ट्री बना है, परमाणु नहीं पदार्थ, पदार्थ से बना है पूरा केमिस्ट्री, और पदार्थ बना है परमाणु से। तो सबसे पहले परमाणु समझिए, परमाणु स्ट्रक्चर मतलब परमाणु का बनावट कैसा है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आया था, भारत का ही वैज्ञानिक था, कनाद नामक वैज्ञानिक, उन्होंने बोला था कि पदार्थ परमाणु से मिलके बना है, लेकिन इतना बोल के वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, सिर्फ इतना ही बोले थे कि पदार्थ जो बना हुआ है वो परमाणु से मिलके बना हुआ, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं बता रहे थे। उसके बाद आया डाल्टन, डाल्टन ने परमाणु के बारे में डिटेल से उसके बारे में जानकारी दिया और बोला कि कोई भी पदार्थ वो परमाणु से बना होता है और परमाणु उस पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है और परमाणु को तोड़ा नहीं जाता है, ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में सबसे अधिक जानकारी दिया था, इसीलिए डाल्टन को, जॉन डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा इसको, पीपीटी पर देख लिए, परमाणु संरचना का सिद्धांत, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह जानकारी भारत में कनाद ने दिया था, जबकि व्यापक रूप से यह जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। मतलब सबसे पहले तो जानकारी भारत के वैज्ञानिक कनाद ने दिया था कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारा चर्चा नहीं कर पाया। तो आया वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और जो पदार्थ बना होता है उस पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और एटम शब्द यानी परमाणु शब्द सबसे पहले जो लॉन्च किया था यानी आविष्कार किया था, यदि पदार्थ का जो परमाणु से मिलकर बना होता है वो सबसे पहले डाल्टन ने ही लिया था कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। अब देखिए, लेकिन आधुनिक समय में जॉन डाल्टन के सिद्धांत को नकार दिया गया है, अर्थात इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि अब पदार्थ का जो सूक्ष्म कम परमाणु है वो नहीं रहा, क्योंकि उसको अब बहुत सारा भागों में तोड़ दिया गया है। देखिए, आधुनिक समय में जॉन डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया है। मतलब परमाणु जो बोला था जॉन डाल्टन ने, परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक आया और उन्होंने तोड़ दिया और बहुत सारे भागों में तोड़ दिया,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन इन सभी में तोड़ दिया। तो आधुनिक समय में अब इन आधुनिक विज्ञानिकों के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सब जो कण तोड़ा गया यानी परमाणु को जब तोड़ा गया, मान लीजिए कोई इतना बड़ा पदार्थ है, कोई एक छोटा सा, मान लीजिए ये क्या है, परमाणु पदार्थ का परमाणु है, बहुत सारा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक परमाणु लेते हैं, एक परमाणु मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, ये परमाणु क्या है यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, इसको जूम कर देते हैं, अब ये पदार्थ को हटा देते हैं, ये इसी को क्या कर देते हैं, देखिए जूम कर देते हैं, यही बन गया क्या ये परमाणु, ये परमाणु बना दिया। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो छोटा सा उसी को जूम करके आप लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या इसको जूम कर दिए। जो परमाणु होता है इसके बीच में होता है क्या नाभिक, इसके बीच में होता है नाभिक, इसके बीच में नाभिक होता है, ये इतना बड़ा क्या होता है परमाणु, इसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया था आगे बताएंगे, रदरफोर्ड किया था, और किस तरह से किया था वो भी बताएंगे। तो ये होता है परमाणु के अंदर नाभिक, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, बाह्यतम कक्षा करते चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा रहता है, तो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसके बाहरी चक्कर, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ध्यान से देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी बाहर में चक्कर लगाते रहता है। परमाणु में दो तरह के कण पाए जाते हैं, ये जो परमाणु है उसमें दो तरह के कण पाए जाते हैं, एक होता है स्थायी कण, एक होता है अस्थायी कण। अस्थायी कण होता क्या है, मतलब ऐसा कण जो परमाणु के अंदर निश्चित रूप से ही रहेगा, वो अस्थायी कण कहलाएगा, वो परमाणु में रहेगा ही रहेगा। अगर मान लीजिए परमाणु को तोड़ेंगे तो अस्थायी जो कण होगा वो हमेशा रहेगा, वो अस्थायी कण रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन अस्थायी जो कण है वो हमेशा रहेगा। तो देखिए दो तरह के कण पाया जाता है, एक होता है अस्थायी अस्थायी मूल कण, एक होता है अस्थायी कण, अस्थायी कण। तो सबसे पहले समझिए अस्थायी कण क्या है, क्योंकि इसी से पूछा जाएगा, अस्थायी कण हमेशा रहेगा। तो ऐसा कण जो परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो और जिसके जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती है उसे अस्थायी कण कहते हैं। मतलब जो अस्थायी कण होता है वो निश्चित रूप से परमाणु में होगा और उसके निर्माण के लिए किसी अलग कण की आवश्यकता नहीं होगा, वो अपने आप में बापू होगा और अपने आप में क्या अकेला ही होगा और स्वतंत्र होगा, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, जो अस्थायी मूल कण होता है वो तीन गो होता है, परमाणु में अस्थायी मूल कण पाया जाता है वो तीन अस्थायी मूल कण पाया जाता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब किसी तत्व को यदि तोड़ा जाए तो तीन तत्व हमेशा मिलेगा, मतलब सॉरी किसी परमाणु को यदि तोड़ा जाए, किसी परमाणु को यदि तोड़ा जाए तो उसमें तीन को हमेशा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा और भी मिल सकता है लेकिन ये पक्का मिलेगा, इसीलिए इसको अस्थायी मूल कण कहते हैं। तो अस्थायी में जो आएगा जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए क्या होता है अस्थायी मूल कण, कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है। जबकि अब देखिए अस्थायी कण किसे कहते हैं, तो ऐसा कण जो परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं अस्थायी कण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन एक एंटी न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनो इसको बोला पढ़ा जाता है, न्यूट्रॉन नहीं इसको न्यूट्रॉनो पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन ये था न्यूट्रॉन, यहाँ पे जो दिख रहा है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होगा इसको न्यूट्रॉनो बोला जाता है, इसको एंटी न्यूट्रॉनो। तो ये सब क्या होता है अस्थायी मूल कण, परमाणु में यदि तोड़ेंगे तो ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये सब बारे ये जो पॉजिट्रॉन है और एंटी न्यूट्रॉनो ये सब के बारे में ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ता है, ट्वेल्थ में आप लोगों को बताया जाएगा, अभी टेंथ है थोड़ा सा बेसिक है इसीलिए बता दिए। आप लोगों के एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि अस्थायी मूल कण कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अस्थायी मूल कण इसके अलावा जो भी आएगा वो अस्थायी मूल कण होगा, इसके अलावा जो भी आएगा इन तीनों के अलावा वो अस्थायी मूल कण होगा, वो परमाणु को तोड़ने के बाद मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब आगे देखिए ये क्या था परमाणु, ध्यान से देखिएगा ये क्या था परमाणु, परमाणु के नाभिक में क्या था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बाहरी कक्षा में क्या लगाएगा चक्कर लगाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, लेकिन सबसे पहले तो नाभिक का खोज हुआ था, सबसे पहले परमाणु का खोज हो गया, इसके बाद नाभिक का खोज कर दिया कौन, रदरफोर्ड ने कर दिया। तो थोड़ा सा नाभिक के बारे में समझ लीजिएगा, इसके बाद समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो ध्यान से पहले एक नाभिक का खोज देख लीजिए, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड क्या किया था, अल्फा कण परिकीर्णन कर रहा था किसी परमाणु पे, एक सोना की बहुत सारा पतली पन्नी लिया, सोना का
से पतली परमाणु लिया, बहुत सारा पतला, बहुत पतला ही था, और एक मतलब सोना धातु जो होता है उसका एक परमाणु लिया जो कि बहुत पतला था, और उसपे अल्फा कण को डाला गया, और उसपे क्या डाला, अल्फा कण डाला। ये क्या है अल्फा कण, अल्फा कण देख लीजिए क्या होता है, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है, हीलियम नाभिक को मतलब C2H4, ये यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान को बता रहा है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये परमाणु संख्या को बता रहा है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, तो ये हीलियम नाभिक है उसी को बोला जाता है अल्फा कण। तो अल्फा कण किसी परमाणु पे ये क्या किया, बैछार किया, मतलब इस पे डाला। तो ये देखिए अल्फा कण जैसे ही डाला किसी परमाणु पे तो उन्होंने देखा क्या, अल्फा कण इस तरह से विक्षेपित हो रहा है, अगर यहां से गया तो डायरेक्ट निकल गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे गया तो इस तरह से विक्षेपित होते गया, और जो और थोड़ा सा और अंदर डालें तो ये भी विक्षेपित हो गया, और बीचों बीच से जो गया वो डायरेक्ट उसी दिशा में लौट के आया, मतलब जैसे इसको डालें और उसी उसी तरह से आ गया, फिर उसी तरह से आ गया, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे गया तो फिर विक्षेपित हो गया, फिर यहाँ डालें तो फिर विक्षेपित हो गया। तो इस चित्र से एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला, ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, उन्होंने बोला इस निष्कर्ष से उन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, और सच में खाली होता है। देखिए ना, इधर से जो यहाँ से आया वो डायरेक्ट निकल गया, ये पूरा उजला वाला जो दिख रहा है वो क्या है, परमाणु है, और देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, नाभिक, नाभिक में थोड़ा बहुत यहाँ पे पतला था तो इस तरह से विक्षेपित होते गया, और लेकिन जो नाभिक के बीचों बीच में है वो डायरेक्ट जैसे आया उसी यहाँ पे वो लौट आया यानी 180 डिग्री पे लौट आया। बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, जो कि यहाँ पे अल्फा कण को जाने नहीं दिया, और जो नाभिक होता है ये पॉजिटिव होता होगा, क्योंकि अल्फा कण होता है पॉजिटिव, अल्फा कण एक तरह के पॉजिटिव माना गया, और ये भी इसके यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, कैसे ये डालें तो इस तरह से प्रतिकर्षित होता गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव कण होगा, अगर ये पॉजिटिव कण था, अगर मान लीजिए इसको पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब ना पॉजिटिव को प्रतिकर्षण हुआ तो उस तरह से भागता गया, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव जा रहा था, इस पूरे 180 डिग्री पे क्या हो गया, लौट आया। उन्होंने बस रदरफोर्ड इतना निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के बीचों बीच में एक धनावेशित कण पाया जाता है जिसको नाभिक बोला दिया उन्होंने, और नाभिक इतना तो बोल दिया कि वो नाभिक होता है कि परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है, नाभिक, इतना समझ में आ गया, और नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये बात दूसरा वैज्ञानिक आके बताया, सबसे पहले प्रोटोन का खोज किया। अब प्रोटोन का खोज किसने किया था, देखिए अब प्रोटोन का खोज किसने किया, ध्यान से देखिएगा, प्रोटोन से उसी चित्र में यहीं पे देख लीजिए, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने। क्या किया, जैसी ने रदरफोर्ड अपना परिकीर्णन का प्रयोग किया तो उन्होंने नाभिक बता दिया कि परमाणु के बीचों बीच में नाभिक पाया जाता है। तो गोल्डस्टीन ने क्या कर रहा था, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके नाभिक को एकदम इस तरह से खखोर रहा था तो एक अलग से कण निकल गया, ये मान लीजिए नाभिक था, उससे एक अलग कण निकल गया, एक छोटकू सा इधर निकल गया। तो बोला गोल्डस्टीन, बोला रदरफोर्ड से जाके, बल ये क्या निकल गया इससे नाभिक से, अच्छा बल ये क्या निकला, तो उन्होंने बोला कि हमको क्या पता क्या निकला, तो उन्होंने बोल दिया गोल्डस्टीन, हम भी एक आविष्कार किए, हम भी एक नया चीज खोज दिए, और इसका नाम बोल दिया क्या, प्रोटोन, बोल दिया प्रोटोन, इस पे पाया जाता है पॉजिटिव, बोल दिया इस पे पाया जाता है पॉजिटिव, क्योंकि ये इस तरह से भागा था, प्रतिकर्षित हुआ था, इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया, बल एक अलग कण इसको खखोर रहा था, एक अलग कण निकला, इसको बोल दिया क्या, प्रोटोन, और इस पे आवेश बता दिया क्या होता है, पॉजिटिव, इस पे आवेश बता दिया पॉजिटिव। अब जैसी गोल्डस्टीन ने क्या किया, ये नाभिक से खखोर के प्रोटोन को निकाल दिया, तो अब एक थो वैज्ञानिक और था, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, चैडविक को भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी एक दिन क्या कर रहा था, ये मान लीजिए नाभिक उसको खखोर रहा था, तो गोल्डस्टीन ने खखोर को उसको क्या निकाल दिया, एक थो प्रोटोन, तो उन्होंने जब इसमें खखोर रहा था तो एक कण और निकल गया, इससे एक कण और छोटा निकल गया। तो ये पूछा, ये जो चैडविक था ये पूछा गोल्डस्टीन से, बोले गोल्डस्टीन ये क्या है बताइए, तो बोल ये तो ये दोनों से नेचर इसका मिल ही नहीं रहा। तो चैडविक ने बोल दिया, बोल हम भी एक चीज का खोज कर दिए, इसका नाम बता दिया न्यूट्रॉन, ये बता दिया इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, ये उदासीन होता है। और सबसे पहले तो खोज किया था इलेक्ट्रॉन का कौन, जे थॉमसन ने किया था, जो कि नाभिक के और चारों ओर घूमते रहता है, नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। अब तीनों के बारे में ध्यान से एक बार क्या स्टडी कर लेते हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए
परमाणु के नाभिक के खोरने से सबसे पहले ने जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को निकाला जो कि बाहरी कक्षा में घूम रहा था। इसके बाद वैज्ञानिक आया गोल्डस्टीन ने जो कि परमाणु के नाभिक को खखोरा तो क्या निकाला, प्रोटोन निकाल दिया। इसके बाद आया चैडविक, चैडविक ने किया वो भी परमाणु को खखोरा, खखोरते खखोरते एक अलग कण निकाल दिया जिसका नाम पड़ गया क्या, न्यूट्रॉन। तो सबसे देखिए पहले क्या है, गुण लिखा हुआ है यहाँ पे, संकेत लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए लोग, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से संकेत में सूचित करते हैं, प्रोटॉन को इस तरह से और न्यूट्रॉन को इस तरह से सूचित करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इस पे क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ध्यान से देखिए अब यहाँ पे क्या आवेश, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, या तो डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा ऋण आवेश पाया जाता है तो वो भी मार दीजिएगा। उसके बाद प्रोटोन पे कौन सा आवेश पाया जाता है, तो पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अब इसका द्रव्यमान, अब इसका क्या होता है द्रव्यमान, तो इसका इस पे द्रव्यमान कितना होता है, ध्यान से देखिए, और इसका आवेश भी देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम होता है, इसीलिए यहाँ पे सी लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए 1. आप लोग 6 याद रखिए, 1.6 याद रखिए, 0.2 को भूल जाइए, याद रखिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अब प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश पाया जाता है जितना इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, उतना ही प्रोटॉन पे भी पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन में मास पॉजिटिव में पाया जाता है, यहाँ पे इस पे नेगेटिव में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, इस पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसका द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻³¹ केजी, इतना क्या होता है केजी, यहाँ पे लिखा हुआ है केजी, 9.1 × 10⁻³¹ केजी, 9.1 × 10⁻³¹ केजी याद रखिएगा, इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻²¹ केजी, लेकिन इसका द्रव्यमान देखिए, इसका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में देखिएगा ना, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और प्रोटोन का द्रव्यमान थोड़ा कम होता है, प्रोटोन का द्रव्यमान कम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। सिर्फ कुछ नहीं, 1.67 यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 2 रहता है, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंतर है लेकिन यदि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि न्यूट्रॉन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है, एक नंबर में इसका होता है, फिर 2 नंबर में इसका आएगा और फिर 3 नंबर में इसका आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका देखिए बहुत कम है, क्योंकि -31 है, ये सब देखिए -27 है, ये -27 है, ये माइनस में जो बड़ी संख्या होता है वो ज्यादा कम माना जाता है, सबसे कम इसका होता है और सबसे अधिक न्यूट्रॉन का होता है। इसका खोजकर्ता कौन था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉम्सन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। इतना क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब आप लोगों को बता दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या था बताइए, तो ये क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या था, नाभिक, नाभुक और परमाणु दोनों गोल तरह से माना जाता है, गोल, दोनों बल एक तरह से क्या, गोल ही होता है। परमाणु को माना जाता है कि परमाणु गोल जैसा होता है, गोल टाइप का, परमाणु गोल होता है तो उसका नाभिक भी गोल होता होगा, अगर मान लीजिए कोई चीज है तो उसका नाभिक जरूर होता होगा। सबसे पहले बताइए परमाणु का त्रिज्या, सबसे पहले परमाणु का त्रिज्या एक होता है नाभिक का त्रिज्या, आप इन दोनों में बताइए कितना दूर होगा, ये नाभिक का त्रिज्या ही होगा परमाणु का त्रिज्या, तो आप ही बताइए किसका त्रिज्या ज्यादा होगा, परमाणु का त्रिज्या ज्यादा होगा कि नाभिक का, तो बताइए परमाणु का त्रिज्या ज्यादा होगा कि नाभिक का त्रिज्या, अगर याद है तो वो भी बता दीजिए कितना होता है, परमाणु का त्रिज्या ज्यादा होगा कि नाभिक का, परमाणु सच देखने में बड़ा लग रहा है तो परमाणु का त्रिज्या क्या होगा ज्यादा, और परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है एंगस्ट्रम में, किस मापा जाता है एंगस्ट्रम में, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर, कितना मीटर, इसको मापा जाता है एंगस्ट्रम में, जबकि परमाणु के नाभिक को मापा जाता है फर्मी में, किसमें मापा जाता है फर्मी, फर्मी में नापा जाता है, बड़ी एफ, इसको सूचित करते हैं बड़ी एफ के द्वारा, एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻¹⁵ मीटर, 10⁻¹⁵ मीटर, तो परमाणु का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, 10⁻¹⁰ मीटर होता, 10⁻¹⁰ मीटर, या तो कहीं ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा 1 एंगस्ट्रम, क्या 1 एंगस्ट्रम, इसको परमाणु की त्रिज्या को नापा जाता है एंगस्ट्रम में,
इसका जो त्रिज्या होता है 10^-10 मीटर होता है या तो एंगस्ट्रम होता है। नाभिक का त्रिज्या को मापा जाता है फर्मी में, और इसकी त्रिज्या होती है 10^-15 मीटर या तो एक फर्मी या तो एक फर्मी, जो भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए पीपीटी में भी लिखा हुआ, इसको हद कर लीजिएगा 10^-10 मीटर या तो एक एंगस्ट्रम होता है। और देखिए नाभिक का जो नाभिक का त्रिज्या मापा जाता है फर्मी में मापा जाता है, और त्रिज्या होता है 10^-15 मीटर या तो एक फर्मी होता है। अब आगे देखिए, अब थोड़ा क्या देखिए, आगे देखिए दूर तो देख लिए, अब देखिए परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए परमाणु संख्या या तो परमाणु क्रमांक तो सूचित करते हैं जेड के द्वारा। कोई भी परमाणु होगा तो उसका परमाणु संख्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। वो होता कैसे वो समझना है। सबसे पहले देखिए कि जो खोज है किसने किया था, खोज किसने किया था, मोसले, परमाणु संख्या खोज मोसले ने किया था। परमाणु संख्या की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। कोई परमाणु होगा, देखिए ध्यान से देखिए, परमाणु के किसी परमाणु के नाभिक में, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके नाभिक में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही बोला जाता है परमाणु संख्या। जितना प्रोटॉन होगा उसके नाभिक में उसी को क्या बोला जाएगा, परमाणु संख्या। बल तत्व का परमाणु संख्या क्रमांक है, यह हमेशा पूर्णांक में होता है, यह हमेशा पूर्णांक में होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि -1/2 होगा या तो 3/4 होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक में होगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक, बोले तो एक होगा या तो दो होगा या तो तीन या तो चार होगा, इस तरह से होगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए प्रोटोन की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की के बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और जितना किसी भी परमाणु में प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों बराबर होता है। मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए क्या आपके पास एक धातु है सोडियम, क्या है सोडियम, तो इसके परमाणु संख्या कितना होता है 11, 11 को ही इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन, 11 ही इसमें क्या होगा प्रोटॉन, दोनों की संख्या क्या होता है बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं घटेगा, प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं घटेगा। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में लिखा, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, किंतु संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी घटता बढ़ता नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या तो बढ़ जाए तो उसे आयन कहते हैं, वो आगे बताएंगे। तो कोई भी तत्व का परमाणु संख्या किस पे निर्भर करता है, उसकी प्रोटॉन की संख्या पे, जितना प्रोटॉन होगा उतना तो परमाणु संख्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक ठो समझिए, क्वेश्चन देते हैं एक ठो एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए क्या सोडियम है, सोडियम इसकी परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 11, प्रोटॉन की सभी संख्या कितना होगा 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 11 ही होगा। क्या होता है सेम होता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20 होता है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगी 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी 20। अब ये घटेगा बढ़ेगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो कभी नहीं घटेगा, प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं घट सकती है, कभी नहीं घट सकती है, प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं घट सकती, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, आगे बताएंगे। यदि घट बढ़ गया तो वो आयन में बदल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी तत्व उदासीन कब माना जाता है, उदासीन होने का शर्त, उदासीन को होने का शर्त। सबसे पहले देखिए गलती से लिखा हुआ, किसी भी तत्व को उदासीन होने का शर्त, कोई तत्व उदासीन है अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, वो कब कंडीशन मानेंगे। जैसे न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है तो उसमें क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, वो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। तो देखिए कोई भी तत्व, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम ही लिख दिए, ये सोडियम कब उदासीन होगा, जब इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। जब यदि दोनों बराबर होगा तो ये उदासीन माना जाएगा, ये उदासीन माना जाएगा। तो आप लोग जितना भी आवर्त सारणी में तत्व देखते हैं वो सारा तत्व उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना है उसमें प्रोटॉन होता है। सोडियम उदासीन है, खाली सोडियम लिख दिया उदासीन है क्योंकि 11 को इलेक्ट्रॉन है और 11 को प्रोटॉन है। मान लीजिए कैल्शियम लिख दिए तो ये भी उदासीन होता है, इसमें
को इलेक्ट्रॉन और 20 को प्रोटॉन होता है। मान लीजिए कैल्सियम क्या क्लोरीन लिखती है, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन होता है, तो खाली क्लोरीन लिखा हुआ तो एक तरह से क्या होगा उदासीन। उदासीन होने के लिए शर्त क्या है, प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, और जितना प्रोटोन होगा वही तो होता है परमाणु संख्या, साथ ये तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब देखिए नोट पॉइंट बता दिए कि आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्व उदासीन होते हैं क्योंकि क्योंकि सभी तत्व में परमाणु की संख्या प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की बराबर होता है। अभी आवर्त सारणी में जो तत्व आप लोग देख रहे हैं वो सारा उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब देखिए कोई भी तत्व को लिखने का संकेत क्या होता है, इस तरह से लिखा है, अगर मान लीजिए ये क्या x कोई तत्व है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ a, a से होता है एटॉमिक नंबर, a से होता है यहाँ पे सॉरी a से क्या हो जाएगा, a से हो जाता है सच एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऊपर में लिखा हुआ रहता है वो परमाणु भार को बताता है, परमाणु परमाणु भार, ये क्या होता है परमाणु भार, और नीचे में जो z लिखा हुआ रहता है z किसको सूचित करते हैं परमाणु संख्या को, ये क्या होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है यदि सोडियम, अगर इस तरह से लिख दिया है सोडियम 23 11, इसका मतलब सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है 11 है, और यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ वो परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, आगे आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान भी बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब इस चित्र से आप लोग सिर्फ इतना बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटोन की संख्या है और परमाणु संख्या कितनी, परमाणु द्रव्यमान आगे निकालने के लिए बताएंगे। बताइए क्या बताए थे, इस तरह से कोई तत्व लिखा हो, इस तरह से कोई तत्व लिखा हो जो ऊपर में होता है वो परमाणु भार होता है और नीचे होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बोले तो जेड, तो जेड की संख्या कितना हो गया 11, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटोन की संख्या होता है, तो यहाँ के पीक में यानी बोले तो प्रोटोन, प्रोटोन की संख्या कितना हो जाएगा 11, और जितना प्रोटोन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है कोई उदासीन तत्व में, और यहाँ पे सोडियम क्या है उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी 11, यानी सबका मान कितना हो जाएगा 11 11। बात के माने अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्लोरीन क्या लिख दिया, क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 35 है, यहाँ पे लिख दिए 17, तो 17 आप बताइए इसमें क्लोरीन 17 और 35 में परमाणु संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है और प्रोटोन की संख्या कितना है, बताइए तीनों, तो इसमें परमाणु संख्या कितना होगा, इसमें प्रोटोन की संख्या कितना होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, बताइए तो फटाफट से। ये चित्र से देखने से आप लोगों को पता चलता होगा कि ये परमाणु भार होता है, ये परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है, तो परमाणु संख्या 17 है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटोन होता है, तो ये भी 17, और ये उदासीन है जिसके कारण जितना प्रोटोन है उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा 17, यानी 17 17 सब सेम हो जाएगा। अब परमाणु संख्या समझ में आ गया, तब थोड़ा सा आगे समझिए आयन, अब समझिए आयन, आप लोगों को अभी आगे इससे आगे ही बताए थे कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या को त्याग करता है या तो ग्रहण करता है या तो किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाए या तो बाहर निकल जाए उसे आयन कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन आ गया मान लीजिए कोई क्या है परमाणु है, मान लीजिए सोडियम का ही क्या है परमाणु है, मान लीजिए सोडियम का क्या है परमाणु, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 11 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटोन होगा 11 ही प्रोटोन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटोन होगा, लेकिन यदि इससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिए, अब जैसे ही दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा ये माइनस में बदल जाएगा, लेकिन ये धातु है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सोडियम क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, बोलिएगा प्लस से क्यों हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर फेंक दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचा 10, इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज, तो माइनस वाला 10 को बचा और प्लस वाला कितना बच गया 11 को, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन होता है प्लस में, तो प्लस वाला बच गया 11 को और माइनस वाला बच गया 10 को, तो प्लस वाला एगो बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है प्लस 1, क्या आ जाता है प्लस 1, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये वो फेंकेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा तो क्या हो जाएगा सोडियम आयन बन जाएगा, ये बन गया सोडियम आयन, और सोडियम आयन को यहाँ पे क्या लिखे Na+। तब अब इसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना है और परमाणु संख्या कितना है, तब क्या बताइएगा, और आप लोगों को ये भी बता दिए थे कि अगर कोई तत्व अगर आयन में बदलता है
तो उसका परमाणु संख्या कभी नहीं बदलता है। अगर परमाणु संख्या नहीं बदल रहा है तो कभी भी प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगा, अर्थात इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगा 11 ही होगा, परमाणु संख्या भी 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा और घट के कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, बाहर फेंक दिया था। और इसका एक जस्ट उल्टा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के पास क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया 17, परमाणु संख्या इसका 17 होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होगा 17। लेकिन ये तो उदासीन है, अभी ये क्या है उदासीन, लेकिन यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया दे दिया जाए दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये दिया जाएगा यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा सीएल माइनस, क्या हो जाएगा सीएल माइनस। बोलिएगा माइनस क्यों हो गया, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिए तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 18 को हो गया माइनस वाला, अब प्लस वाला यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होता है, आयन में बदल जाता है फिर भी प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, तो प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा 17 ही रहेगा, और जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा 17 ही होगा। तो आप बताइए इसमें माइनस क्यों आ गया, देखिए प्लस वाला कितना है, प्लस वाला 17 को है, माइनस वाला 18 को है, तो 17 को मान लिया कट जाएगा तो ये को बच ही जाएगा, इसीलिए -1 उस पे पावर आ जाता है। तो ये हो गया ऋण आयन, जब किसी तत्व, जब कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऋण आयन में बदल जाता है। तो ये क्लोरीन क्या हो गया, ये जो क्लोरीन है वो क्या हो गया ऋण आयन में बदल गया था, लेकिन जो सोडियम है वो धन आयन में बदल गया था। अब देखिए जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकाला या तो डाला जाए तो वो आयन में बदल जाता है, आयन पर आवेश उपस्थित रहता है, आयन पे क्या रहता है आवेश उपस्थित, इसमें क्या है देखिए पॉजिटिव आवेश है, और देखिए इलेक्ट्रॉन को निकालने पर धनायन बल जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये धनायन या सोडियम, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डालने पर ऋणायन बल जाता है, क्लोरीन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन क्या हो गया माइनस में बदल गया था। आयन में परमाणु की संख्या नहीं बदलता है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलता रहता है, आप लोगों को बता दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बदलता रहता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है। अब आगे देखिए परमाणु भार, ये लास्ट टॉपिक है मेरा, ये परमाणु भार का, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु भार क्या होता है, क्या बताए थे ये होता है परमाणु, इसके अंदर क्या होता है नाभिक, नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। परमाणु भार बराबर जो होता है परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार को बड़ी ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसकी जो संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। इसका परिभाषा भी यही कहता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। देखिए परमाणु भार बराबर क्या आ गया न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, अर्थ ए बराबर क्या हो गया एन, एन हो गया न्यूट्रॉन और पी से हो गया प्रोटॉन, या तो इसको परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही होगी परमाणु संख्या, ये कभी कभी आप लोगों को ये भी मिल सकता। अब एक तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया हुआ, अब इसको बनाइए क्वेश्चन को, अब यहाँ क्वेश्चन बनाने में आ जाएगा, क्योंकि परमाणु भार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु भार से, तब आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या बताए थे। अगर कोई तत्व इस तरह से लिखा हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ए, ए क्या हम समझेंगे परमाणु भार लिखा हुआ जेड, यहाँ पे जेड लिखा हुआ रहता है, ये क्या होता है ये परमाणु संख्या लिखा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या सोडियम, सोडियम को इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे ऊपर में उसका परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार जो इसका होता है वो 23 होता है, जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। तो आप इसमें फटाफट से प्रोटोन की संख्या बताइए, परमाणु संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, परमाणु भार बताइए यानी ए परमाणु भार, ये चारों चीज बताइए फटाफट, इस चित्र से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, इस तरह से बोल देगा और बोलेगा इसमें प्रोटॉन की संख्या या तो परमाणु भार बताइए, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, कितना इसकी परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या कितना दिख रहा है 11, तो परमाणु संख्या हो गया 11, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगा 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा उतना ही, क्योंकि ये उदासीन है, इस पे प्लस माइनस देखिए नहीं है, तो ये उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 11 है। लेकिन लेकिन यदि परमाणु भार निकालना हो, यदि परमाणु भार निकालना हो इसमें क्या करना पड़ता है, ये परमाणु भार तो इसमें देखिए डायरेक्ट दे ही दिया, परमाणु भार दे दिया है, इसका परमाणु भार क्या लिखेंगे 23। लेकिन इसमें एक चीज और बचा हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताइए, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बताइए क्या बताएं, ए बराबर कितना होता है, यानी परमाणु भार बराबर कितना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है प्रोटोन,
तो इसमें जो परमाणु भार है वो कितना है 23, तो 23 बराबर क्या लिखा हुआ n, n प्लस क्या p, n प्लस p, तो हमको तो निकालना n का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 23 माइनस p, 23 माइनस p, 23 माइनस p, और p का मान कितना है 11, तो 23 में घटाइएगा 11, 23 में जैसे 11 घटाइएगा कितना आएगा बताइए, 23 में 11 घटाइएगा कितना आएगा 12, तो अर्थात इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12, ये 12 और ये 11, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हो गया कितना 12 और प्रोटॉन की संख्या हो गया 11, अब ये दोनों जोड़िएगा तो परमाणु भार के बराबर आ जाएगा 23 के बराबर। अब एग्जांपल में एक ठो और देते हैं जो कि आप लोग बना के दिखाइएगा, कैल्शियम का, कैल्शियम का एग्जांपल में देते हैं तो आप लोग बना के बताइए कि कैल्शियम में क्या क्या कितना है, फटाफट से बताइए। तो ये 20 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तब इसमें बताइए कितना इसमें प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है, बताइए फटाफट, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए, परमाणु संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए और परमाणु भार बताइए, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए इसमें जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या कितना होगा प्रोटॉन की बराबर कितना होगा 20, परमाणु संख्या भी हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 20, क्योंकि ये क्या है उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 20 और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे 40 में 20 को घटा के, 40 में 20 को घटाएंगे तो 20 ही आएगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होगा और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा दोनों को जोड़ने के बाद, या तो परमाणु द्रव्यमान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितना है 40, कितना है 40, लेकिन इस सिंपल तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन एक अलग क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई क्या है परमाणु है, कोई परमाणु होगा, यदि उसका भार मान लेते हैं 60 है, उसका भार क्या है परमाणु द्रव्यमान 60 है, उसकी परमाणु संख्या को मान लेते हैं क्या है 25 है, क्या है 25 है, 25 मान लीजिए, 25 नहीं मान लीजिए इसको 26 है, क्या है 26, तब इसमें आप लोग बताइए प्रोटॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, फटाफट बताइए, तो ये कौन सा तत्व हो सकता है, थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल दिए तो बताइए, तो इसमें 26 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए और परमाणु संख्या बताइए और परमाणु द्रव्यमान बताइए और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए जितना इसमें प्रोटॉन की संख्या होगा उतना इसका परमाणु संख्या होगा, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा तो कितना होगा 26, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, ये उदासीन है, ये क्या उदासीन है, ऋण आवेश नहीं पाया जाता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 26 और इसमें जेड, जेड क्या है परमाणु संख्या वो कितना है 26 और परमाणु द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 60 लिखा हुआ है 60, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटाइए 60 में घटाइएगा कितना 60 में घटाइएगा 26, इसी 60 में 26 घटाइएगा कितना होगा 4, 10 में से छो जाएगा 4 यहाँ पे 5 तो कितना हो जाएगा 34, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 34, ये रियल में इतना नहीं होता है, इसी एग्जाम्पल में मान के आप लोगों को दिए थे, अगर मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा हो Cl- क्या लिखा हुआ Cl- यानी क्लोरीन पे पावर माइनस दिया हुआ -1, तब इसमें बताइए आप लोग अगर माइनस वाला भी तो पूछ सकता है, अब इसमें बताइए प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या तभी निकाल सकते हैं जब इसका भार देंगे, अगर मान लीजिए क्लोरीन का भार, अगर मान लीजिए क्लोरीन आयन है इसका भार मान लेते हैं ए बराबर कितना दे देते हैं 35, इसका भार कितना है 35, अब बताइए फटाफट से इसका, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, ये ऋण आवेश आ गया फिर भी इसका प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं हुआ, यदि क्लोरीन है तो इसका प्रोटॉन की संख्या इसमें 17 होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए को बढ़ गया, 17 था लेकिन इस पर एक माइनस आ गया अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितना हो गया 18, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है कैसे निकालेंगे, इसमें क्या कीजिए ये देखिए ये द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान बराबर कितना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो निकालना न्यूट्रॉन का मान, तो यहाँ पे क्या है परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 35, अब 35 में घटाइए पी, अब पी का मान कितना दिया हुआ 17, 17 माइनस कितना हो जाएगा एन, 17 माइनस बराबर कितना हो जाएगा एन, एन यानी न्यूट्रॉन की संख्या, कैसे निकालेंगे 17 में 35 में जब 17 घटाएगा तो कितना बचेगा 18, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा वो कितना आएगा 18, और आप लोगों को मात्र एक क्वेश्चन दे देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मान लीजिए कोई तत्व है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, मान लीजिए 60 लिखा हुआ है 70 है, यहाँ पे लिखा हुआ 33, तब इसमें आप लोग प्रोटॉन की संख्या निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, चारों चीज निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं,
अब कल से जो आएगा इसका वीडियो पहला चैप्टर का आएगा, क्योंकि इसका पूरा बेसिक खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।